in Stanford Eco Fire Industries. Our company is a leading manufacturer and supplier of all types of fire extinguishers and fire safety items. Today हम इस वीडियो में देखेंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर्स को इस्तेमाल करने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट मेजर है वो हमारे को देखना होता है कि इसका प्रेशर वो ओके है या नहीं। अगर प्रेशर इसका ग्रीन साइड पे है मिडल, दैट मीन्स दिस इज ओके टू यूज। इन केस अगर प्रेशर ओके नहीं है देन आपको उसको रिफिल करवाना पड़ता है ताकि आप इसको फर्दर इस्तेमाल कर सकें, इसका प्रेशर ओके हो जाए। सेकेंड, अब हमारे चूज कैसे करना है फायर एक्सटिंग्विशर। फर्स्ट ऑफ ऑल ABC पाउडर टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर आप सॉलिड, लिक्विड एंड इलेक्ट्रिकल जनरेटेड फायर्स में यूज कर सकते हैं, विच इज क्लास A, B and C टाइप ऑफ फायर्स। एंड आपको हमेशा ये ध्यान रखना है आपकी किस टाइप की फायर है और उसके अकॉर्डिंगली आपको फायर एक्सटिंग्विशर चूज करना है, देन उसको यूज करना है। अब इसके इंस्ट्रक्शन आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो हम बताते हैं। एग्जामिन केयरफुली एवरी मंथ, आपको हर महीने ध्यान रखना है। इनकेस अगर फायर एक्सटिंग्विशर एक्सपायर हो गया है देन आपको इसको तुरंत रिफिल करवाना है। देन पीरियडिकली चेक टू इंश्योर द सेफ्टी सील एंड टेम्पर इंडिकेटर आर नॉट मिसिंग और ब्रोकन। आपको हमेशा देखना है कि जो सेफ्टी सील है वो ओके है या नहीं। इनकेस वो ब्रोकन है देन इसका प्रेशर डाउन होने के चांसेस है, फिर आपको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इनकेस अगर आपको कोई इमरजेंसी होती है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इसकी सेफ्टी सील ओके है या नहीं, लगी हुई है कि नहीं, एंड प्रेशर चेक करना है वो ओके है या नहीं। आपको इसको डायरेक्ट हीट से बचा के रखना है, डायरेक्ट हीट में इसको नहीं रखना। एंड आपको सील ब्रेक करनी है इसको यूज करने से पहले। इसको यूज कैसे करते हैं हम आपको बताते हैं। जो इसकी सेफ्टी सील होती है आपको इसको निकालना पड़ता है, सबसे पहले इसको इस तरीके से ब्रेक हो जाती है, इसकी ये निकल जाती है। उसके बाद आपको इसे एम करना है। ये मेथड होता है पास मेथड, PASS। सबसे पहले पुल, बिना आपने पुल करी दिस स्टैंड्स फॉर पी। उसके बाद आपको इसे एम करना है फायर पे। फॉर एग्जाम्पल अगर फायर इधर लगी है तो आपको इसको उसकी तरफ से एम करना है। ये हैंडल है, इसको स्क्वीज करना है तो जितना भी एक्सटिंग्विशिंग एजेंट है वो बाहर आ जाएगा। एंड आपको उसको फायर की तरफ एम करना है एंड इसको स्वीप करना है पूरी फायर पे। एंड आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है जो भी मेन हॉट स्पॉट्स है जहाँ पे फायर इग्नाइट होने के चांसेस ज़्यादा हैं आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना है। इस तरीके से आप फायर एक्सटिंग्विशर को इस्तेमाल कर सकते हैं। Thank you. Hope you like this video and subscribe for if you really serious about your fire and safety. Thank you.